माय डियर सब्सक्राइबर्स, आज का वीडियो एक बहुत मजेदार वीडियो है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि डिग्री से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आपकी क्या एज है उससे फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता। फर्क इस चीज से पड़ता है कि आपके पास कितनी नॉलेज है, आपके पास कितने स्किल सेट्स हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप उसको इम्प्लीमेंट कितने हद तक कर रहे हो। क्योंकि जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, आपके पास रिजल्ट हमेशा कम आएंगे। आज मेरे साथ है यहाँ पे देवव्रत। हाय देवव्रत। हाय सर। देवव्रत अभी सिर्फ कितने साल के? 17। सो देवव्रत इज जस्ट 17 ईयर्स ओल्ड राइट नाउ, लेकिन देवव्रत बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीजें कर रहे हैं। एंड द रीजन व्हाई आई एम इंट्रोड्यूसिंग यू टू हिम इज बिकॉज लास्ट 3 डेज में इन्होंने बहुत अच्छा सिग्निफिकेंट अचीवमेंट हासिल करा है। कितना रेवेन्यू आपका लास्ट 3 डेज का? क्लोज टू $2,000 USD। Close to $2,000, जो कि अगर आप भारतीय करेंसी में देखते हो वो अराउंड 1.4 लाख रुपीस है एट द एज ऑफ 17। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आपका ऐसा कौन सा प्रोडक्ट था या सॉफ्टवेयर था? आपका खुद का कोई सॉफ्टवेयर था क्या ये? नहीं नहीं, ये एक प्लेटफॉर्म था जहाँ पे हमने अपने क्लाइंट के लिए एक सिस्टम बनाया था। बेसिकली हमने चैटबॉट्स बनाया था। ओके। चैटबॉट्स एक सिस्टम होता है जहाँ पे हम पहले से क्वेश्चंस डालते हैं। ओके। और हमारे क्लाइंट के जो कस्टमर्स होते हैं जिसके साथ भी हम एसोसिएटेड रहते हैं, इसलिए हम बनाते हैं वो प्री फ्रेम्ड क्वेश्चंस में। Okay. जस्ट क्लिक करते हैं उन्हें आंसर मिलता है, तो एक के बाद एक क्वेश्चंस के आंसर होते हैं जो प्रोडक्ट को, जैसे मैंने गूगल का कुछ समय पहले एक वीडियो देखा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला, कुछ इस तरीके का, कुछ वैसे ही है। बट यहाँ पे सब कुछ कोड लाइक लिखा जाता है, एक्चुअली पेंट किया जाता है, उसको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। ओके। सो आपको मैं अगर थोड़ा सा और सरल भाषा में समझाऊं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हमने उसमें पहले से डाले हुए हैं, तो अगर आप उस तरीके के सवाल पूछते हो तो पहले से पैटर्न के हिसाब से आंसर्स बने हुए हैं, तो वो आंसर ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। इसका फायदा क्या होगा, माना आपने किसी मैनुअल इंसान को नहीं बिठाया हुआ है जो कि आंसर कर रहा है, तो आपकी वो मशीन जितने सारे मैसेजेस आएंगे उसका रिप्लाई करती रहेगी। अब उसका सबसे बड़ा एडवांटेज आपका ये हुआ, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, एक जो इंसान है वो तो रात को सोएगा ना, उसकी तो तबीयत भी खराब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो ये चैटबॉट है ये आंसर रेगुलरली 24/7 देता रहेगा। राइट। बेसिकली ये एक असिस्टेंट के तरीके से काम करता है। वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट। ओके। तो आपने मतलब ये जो रेवेन्यू कमाया ये आपने क्या करा, डिड यू सेल हाउ मेनी प्रोडक्ट्स, हाउ मेनी सर्विसेज डिड यू सेल? सो ये सर्विसेज मैंने दो चैटबॉट कंप्लीट सर्विसेज एंड देन हमने कंसल्टेशन सर्व किया था। ओके। सो लोगों को एक अपने प्रोफाइल पे भेजा कि प्रोफाइल पे पूरा मेकओवर था प्रोफाइल कि वो मुझसे कैलेंडर बुक कर सकते हैं, कैलेंडर शेड्यूल कर सकते हैं, दे कुड टॉक टू मी। ओके। तो ऐसे पूरा प्रोसेस किया कि शेयरिंग नॉलेज, गेटिंग देम ऑन द प्रोफाइल, टेलिंग देम दैट आई एम द अथॉरिटी इन द नीश, एंड देन लाइक सेलिंग अप द कैलेंडर इनविटेशंस। ओके। एक बार जब वो मेरे कैलेंडर पे आ गए तो उनके साथ मैंने कॉल किया एंड देन आई क्लोज्ड अप द डील। ऑलराइट। सो अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊं, आपने उनको चैटबॉट सॉफ्टवेयर तो सेल करा ही करा, उसके साथ साथ आपने उनको कंसल्टेशन भी दिया कि आप कैसे अपने बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहला चीज ये था कि जब अगर मैं उनको स्टार्टिंग में ही सेल्स ही होता तो वो नहीं आते मेरे पास। राइट। तो इसके लिए मैंने पहले दिखाया कि आई वैल्यू योर बिजनेस मोर। राइट। मुझे मेरे सर्विस से अभी कोई मुझे एक चीज ये नहीं समझ में आई, आप बार बार दिखाया वर्ड क्यों यूज कर रहे हो, यू वैल्यू देयर बिजनेस मोर। राइट। या ओके। सो हमने पहले उन्हें वैल्यू दिया ऑन द कॉल कि 30 मिनट्स कॉल था, 30 मिनट्स हमने पहले वैल्यू दिया एंड उसके बाद जो नेक्स्ट 15 मिनट्स थे वहाँ पे हमने पिच किया। Okay. बिकॉज उन्होंने 45 मिनट के लिए ऑप्टेन किया था। ओके। तो सो बेसिकली आपने पहले लोगों को फेसबुक के ऊपर अपने कंटेंट के थ्रू वैल्यू दिया बहुत ज्यादा। हाँ। वैल्यू एडिशन करा आपने। उसके बाद मैंने पर्सनल पे वैल्यू एडिशन किया जब हमने कॉल पे लिया एंड देन 15 मिनट्स बाद सेल किया उनको। ओके। आपके पास इसके स्क्रीनशॉट्स भी होंगे राइट? हाँ, स्क्रीनशॉट्स हम अपने सब्सक्राइबर्स को यहाँ दिखा देंगे। ऑलराइट। तो आपको जैसे आपकी एज बहुत कम है तो आपको ऐसा नहीं लगा कि यार लोग मेरे को हल्के में ले रहे हैं या लोग आपको ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं, ऐसा कुछ? सो पहली बात तो ये थी कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि कैमरा के पीछे जो बंदा है उसकी एज कितनी है जब हम स्काइप पे या जूम पे कॉल कर रहे थे। एंड सेकंड थिंग, उनको ये मैटर करता है कि आपकी एज मैटर नहीं करती बेसिकली, ना तो उनको आपकी क्वालिफिकेशन मैटर करती, उनको ये मैटर करता है आप कितना वैल्यू उनको दे सकते हो ओवर द कॉल एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लाइक 6 मंथ 1 ईयर, कितना वैल्यू आप दे सकते हो, वैल्यू एडिशन कर सकते हो उनके बिजनेस में। ट्रू। तो एक चीज आप मुझे और बताओ, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमें लीड्स नहीं मिलती है, मेरी ट्रेनिंग्स में भी लोग बोलते रहते हैं कि लोग हमारे संग बात सुनने को रेडी नहीं होते। अब जैसे आप उनको बात कैसे सुना रहे हो ओवर द इंटरनेट, अगर किसी को फिजिकली भी रीच आउट करना है तो आपको एक बार ही में मिल गया था अपॉइंटमेंट किसी से भी?
कभी नहीं होता. सो एक कॉम्पिटिशन होता है मार्केट में, आपको उस कॉम्पिटिशन में स्टैंड आउट होना पड़ता है. आप एक बिजनेस ओनर के प्रोस्पेक्टिव से देखोगे तो उसको एक दिन में कितने सारे ईमेल्स आते हैं, कितने सारे लोग अप्रोच करते हैं. राइट, मेरे को खुद यार लिंक्डइन के ऊपर इतने सारे लोग मेल करते हैं, सर हमें आपके संग जॉब करनी है, ना आप अपने बारे में बता रहे हो, ना मेरे को मेरे नेम से एड्रेस कर रहे हो, मैसेज आ रहे हैं डियर सर, यानी कि मुझे पता है कि वो आप कॉपी पेस्ट करके सबको भेज दे रहे हो. तो मैं ऐसे मैसेजेस को, ऐसे मेल्स को एंटरटेन क्यों करूंगा? क्योंकि अगर आप इतना भी एफर्ट नहीं डाल रहे हो कि आप डियर राहुल लिख सको, व्हाई डू यू एक्सपेक्ट मी टू रिप्लाई बैक टू यू? क्योंकि आप तो सेम मैसेज सबको डाल रहे हो. हाँ. यानी कि आपका मेरे ब्रांड के प्रति कोई लॉयल्टी थोड़ी है. आपका तो ये कि जहां से जो मिल गया वो हो गया. आप जब रिप्लाई, आप जब किसी को मेल भेजते हो, आप उनके नाम से एड्रेस करते हो या कैसे करते हो? सो बेसिकली मुझे कभी उनको भेजना नहीं पड़ता. ओके. बिकॉज ऑफ कंटेंट शेयरिंग वो खुद आते हैं मेरे पास. इट्स अ इनबाउंड मार्केटिंग थिंग. ओके. सो इनबाउंड में वो खुद आते हैं, आउटबाउंड मतलब आप मेल करते हो या ये सब रीच आउट करते हो. इंस्टेड आप इतनी वैल्यू दे दो कि दे थिंक यू एज एन अथॉरिटी एंड वो आप के पास आए. तो खुद जो हमारा प्रिंसिपल है, जो हम बोलते हैं 5 times V एंड देन S, यानी कि यू गिव वैल्यू 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 एंड देन यू ट्राई टू सेल समथिंग. अगर वो नहीं खरीदता उसके बाद दोबारा से वैल्यू देना शुरू कर दो. यू वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल. यस. एंड अगर वो नहीं खरीद रहा है, मना कर रहा है, तो दो चीज करो. एक वैल्यू दो. राइट. एंड देन फॉलो अप विद हिम. कॉन्स्टेंट फॉलो अप रहना जरूरी है. राइट. बिकॉज आपको ये नहीं पता कि वो उस टाइम पे क्या कर रहा है. आप सोच रहे हो कि ही इज नॉट गिविंग यू वैल्यू, लाइक वो इंटरेस्टेड नहीं आपकी सर्विस में. राइट. बट आप नहीं जानते कि वहां पे क्या है, उसके घर पे कोई प्रॉब्लम होगा, उसके टाइम इश्यूज के साथ बहुत सारी चीजें हो सकती है. हम लोग आपको तब तक क्लियर नहीं होता. हम लोग पता क्या करते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं. क्योंकि आपका मैं उसका रीजन भी बताता हूँ साइंटिफिक. आप अज्यूम कर लेते हो यार सामने वाला इंसान ना मेरे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड ही नहीं है, और उसका रीजन ये है. आप लोगों को बुरा भी लगेगा सुन के. उसका रीजन ये है क्योंकि आप लोग अपने डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगाते हो. आप लोग नई अपॉर्चुनिटीज नहीं अवेल करते हो क्योंकि आपका नेचर वैसा है. तो आपको ये लगता है कि सामने वाला इंसान भी वैसा ही है. मैं तो बार बार मैसेज करता हूँ, मैं तो बार बार मेल करता हूँ क्योंकि मैं ऑक्यूपाइड रहता हूँ. तो मुझे ये लगता है यार सामने वाला इंसान भी ऑक्यूपाइड है. मैं जल्दी डिसीजन लेता हूँ तो मुझे ये लगता है कि सामने वाला इंसान भी डिसीजन लेगा. इसीलिए मैं बोलता हूँ जैसे आप हो वैसे ही आपको क्लाइंट्स मिलेंगे. अगर आप डिसीजन मेकिंग में डिले करते हो आपको भी वैसे ही क्लाइंट्स मिलेंगे. अगर आप डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा टाइम लगाते हो या बहुत ज्यादा सोचते हो आपको भी वैसे ही लोग मिलेंगे. अगर आप पैसा खर्च करने से डरते हो आपको भी वैसे ही लोग मिलेंगे. ये सबसे बड़ी सच्चाई है एट द एंड ऑफ द डे. क्योंकि अगर अच्छा एक बात बताओ, आप यहाँ पे कैसे आए थे? हाउ डिड यू कम? और किस दिन आए थे आप यहाँ? मैंने जस्ट अपना बोर्ड एग्जाम्स खत्म किया. सो इट वॉज फ्रॉम 11 o'clock टू 2:30. ओके. एंड वन आवर जर्नी टू होम एंड जस्ट मेरी ट्रेन थी शाम के 7 बजे की. ओके. तो शाम की 7 बजे की ट्रेन, क्योंकि एक रात पहले मेरा एक दिन पहले एग्जाम था मेरा. okay. उस दिन तो मैंने रात को लास्ट नाइट में सोया भी नहीं था. पढ़ाई कर रहे थे आप? पढ़ाई कर रहा था एंड मेरा टिकट भी कंफर्म नहीं था बिकॉज ये सारे लास्ट मोमेंट डिसीजंस थे. राइट. तो फिर हमने मैंने ट्रेन लिया एंड देन सेम डे जिस दिन मैंने बोर्ड से एग्जाम दिया उसी दिन रात को आया विदाउट कंफर्म. सो डू यू सी हैव यू हैव अ लुक एट द कमिटमेंट? कमिटमेंट के बिना लाइफ में कुछ नहीं होता. देखो आप किसी भी चीज में 3 reasons की वजह से फेल होते हो. पहला अकाउंटेबिलिटी नहीं है. यहाँ पे अगर ये कोई काम कर रहे हैं, अगर ये अकेले अकाउंटेबल होंगे मे बी ही विल नॉट डू इट, बट वी कंटिन्यूअसली पुश हिम एंड वी आस्क हिम कितना हुआ. अकाउंटेबिलिटी. सेकंड इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, ये यहाँ पे आके अपना टाइम लगा रहे हैं. थर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी, दे आर ऑल्सो पुटिंग इन देयर मनी. अगर वो पैसे नहीं लगा रहे हम लोग उनके ऊपर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं. ये तीनों चीजें हुए बिना आपकी लाइफ में कभी भी बदलाव नहीं आ सकता है. एंड एग्जैक्टली दैट इज व्हाट ही डिड. आप सोचो MBA करने के बाद एक इंसान को अगर 10 lakh rupees की नौकरी मिलती है वो लाइक अरे यार 10 lakh rupees का पैकेज है. आपके घर वाले मिठाइयाँ बंटवाते हैं, सब करते हैं. आप ये नहीं समझते कि आपने अपनी जिंदगी के 6 साल और लाखों रुपए खर्च करें. 6 साल के बाद 10 lakh rupees की नौकरी लगी, अभी तक 20 lakh rupees खर्च कर चुके हो. 10 lakh की नौकरी में हाथ में आएगा 75,000 rupees, यानी कि 9 साल टोटल 6 + 3 or 4 years के बाद जाके आप ब्रेक इवन कर पाते हो. और तब घर वाले बोलते हैं कि शादी कर दो. हार्श रियलिटी यही है हर परिवार की. इट इज इम्पॉर्टेंट दैट यू शुड गेट द स्किल सेट्स. एक चीज और आप मुझे बताओ बिफोर वी कम्प्लीट द वीडियो, आपको क्या लगता है स्किल सेट्स होना ज्यादा इम्पॉर्टेंट है या डिग्री होना? स्किल सेट बहुत जरूरी है बिकॉज लोग वैल्यू करते हैं आपकी स्किल्स. वैल्यू एडिशन, जब आपसे आपके भी हमने वीडियोज में देखा है कि वैल्यू आप क्या दे रहे हो. यू नेवर आस्क कि आप आपका क्वालिफिकेशन क्या है. व्हाट वैल्यू एडिशन कुड यू गिव टू राहुल भटनागर? आप सोचो ना, आप में से कितने लोगों को मेरी डिग्री के बारे में पता भी है. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने और सौरभ ने, हमने अपनी डिग्री जो है मेरी MBA की, सौरभ की ग्रेजुएशन की, सौरभ ने तो अभी तक ली भी नहीं है जाके हंसराज यूनिवर्सिटी से, वो कभी यूज भी नहीं करी है. आप में से किसी ने पूछा भी नहीं है बिकॉज आप लोगों को वैल्यू बहुत ज्यादा मिल रही है. ये वाली चीज आपको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एब्सोल्युटली. तो जैसे आपने हमारी ट्रेनिंग्स फॉलो करा, आप मेरा सेल्स वाला प्रोसेस देखते हो, आपको उससे क्या फायदा हुआ आपके इस प्रोसेस में? सो पहली बात,
जब तक एक यस नहीं सुनना है तब तक सोना नहीं है. राइट. कॉन्स्टेंटली आपको फॉलोअप करना है, करते रहना है. लास्ट डोर जो होगा वो एक ऐसा सरप्राइज लाएगा जो आपका पूरा सिचुएशन चेंज कर सकता है. राइट. तो मैं कॉन्स्टेंट नो हमारे लिए लास्ट डोर कौन सा है, लास्ट डोर कौन सा है. तो अगर आपको एक कस्टमर चाहिए तो कम से कम 100 डोर तो आपको खटखटाना है. राइट. तो बिकॉज एक नो बोलेगा, दो नो बोलेगा, 99 नो बोलेंगे, बट एक तो यस बोलेगा. एब्सोल्युटली, दैट इज व्हाट कुड मेक अ मेजर चेंज. एक चीज और, व्हेन यू गेट अ लॉट ऑफ नोस आपको ये समझ में आ जाता है कि नो किस वजह से आ रहा है, ऑब्जेक्शन क्या है, तो आप फिर उस ऑब्जेक्शन को क्लियर कर देते हो. वो वाली चीज आपके थॉट प्रोसेस में आना बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड बिलीव मी, सेल्स इज इजी provided you know the strategies, provided you know what you have to speak and what is it that you don't have to speak. जब तक आपको ये जानकारी नहीं मिलेगी तब तक आप अपनी लाइफ में आगे बिल्कुल नहीं बढ़ने वाले. तो अगले एक साल का कितना टारगेट है आपका? If you only talk in terms of how many people you want to help first and how much revenue you want to generate. So, पहला टारगेट तो ये है कि जो नॉलेज है वो पहले शेयर करना है. ओके. इंस्टेड बिकॉज ये जो चीज है, जो ये जो स्पेसिफिक स्किल सेट है, ये इंडिया में बहुत कम लोगों के पास है. राइट. और ऑलमोस्ट लाइक बहुत लोग ऐसे भी हैं जो अनअवेयर है कि ऐसा कुछ होता भी है. एब्सोल्युटली. एंड पीपल इन यूएस आर चार्जिंग लाइक स्टार्टिंग जो है $1000 से स्टार्ट होता है. आप एक बार सोचो, $1000 तक आप चार्ज कर सकते हो यूएस में कंसल्टेशन में. स्टार्टिंग में आपकी जो, आपसे अगर मैं पूछूं, डू यू हैव रियली अमेजिंग कम्युनिकेशन स्किल्स? आई थिंक आई हैव, बिकॉज मैं अगर किसी को भी मैसेज करता हूँ सो आई गेट अ रिप्लाई. बिकॉज बहुत सारे मैंने, व्हाट डू यू थिंक इज मोर इंपॉर्टेंट? आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स एक चीज है जो बहुत जरूरी है, पर परसिस्टेंस उससे ज्यादा जरूरी है. राइट. परसिस्टेंस एंड कंसिस्टेंसी, ये दो चीज बहुत जरूरी है. राइट. आपको अगर आपने सोच लिया है कि आपको कंटेंट डालना है तो वो आपको रोज डालना है एट एनी सिनेरियो, चाहे जितनी भी लेट हो जाए, चाहे जो भी टाइम हो जाए. एंड आपको लोगों को बता दो कि आई विल बी डूइंग इट ऑन अ डेली बेसिस, सो दैट लोगों का वो हो जाए. अगेन द रीजन व्हाई यू आर टेलिंग इट टू पीपल ऑन अ डेली बेसिस इज, जो मैंने आपको सबसे पहली चीज बोली, अकाउंटेबिलिटी. आप अकाउंटेबल खुद के लिए नहीं हो. अपनी डायरी में लिख दिया मुझे रोज डालना है, किसको बताए? अगर आपने सबको बताया है देन यू आर अकाउंटेबल. आई टोल्ड यू इन द वेरी बिगिनिंग, यू अंडरस्टैंड नाउ. अब एक चीज और, इसी वजह से जो चीज आपको बताई अभी देवव्रत ने, ये नॉलेज हमारे पास है ही नहीं, आपके पास ये नॉलेज है ही नहीं, और यही वजह है कि आप 10,000-15,000 रुपए की नौकरी के लिए धक्के खा रहे हो लाखों रुपए लगाने के बाद. सच बात है ना, रोज जाते हो ना अपने ऑफिस में. मेरे डैड भी जाते थे, हम भी जाते थे एक टाइम पे. मैंने 6 महीने जॉब करा था, 6 महीने, उसके बाद मैंने बोला आज का जिंदगी में कभी नहीं करना और अब करनी भी नहीं. आई एम नॉट अगेंस्ट अ जॉब, अगर आप खुश हो अपनी जॉब से तो करो, लेकिन आपके जॉब के साथ साथ एक ऐसे स्किल सेट तो ले लो जो आपको आगे लेके जाए, जो कि आपकी लाइफ में रेवेन्यू ज्यादा लेकर आए. और वही चीजें देने के लिए हम आपके लिए गोवा में इवेंट करा रहे हैं जिसमें 25 स्पीकर्स आ रहे हैं, और वो आपको वो नॉलेज देंगे जो इंडिया में 0.1% पॉपुलेशन के पास भी नहीं है. तो आप सोच के देखो आपके जीतने के चांसेस कितने ज्यादा हो गए. एक तरफ आप कम्पीट कर रहे हो सारे बीटेक, सारे एमबीए, सारे बीएससी, सारे बीकॉम वाले लोगों के साथ, और दूसरे एंड पे आप कम्पीट कर रहे हो कितने लोगों के साथ, 5 लाख, 2 लाख, बल्कि वेबिनार्स तो मुझे लगता है इंडिया में शायद 1000 लोग भी नहीं करते होंगे. एंड डोमेन फ्लिपिंग, एंड डोमेन फ्लिपिंग जो आप इवेंट में सीखोगे, वेबसाइट कैसे आगे बढ़ाना है, वो ऐसी चीज है जो भारत में शायद 100-200 लोग करते होंगे. कॉम्पिटिशन ही नहीं है आपका. आपका जब कॉम्पिटिशन नहीं है तो आप कितना ईजी हो जाएगा आपके लिए जीतना, बिकॉज आपके पास नॉलेज आ जाती है. दैट इज द रीजन वाई आई एम टेलिंग यू, एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करो अपने ऊपर, इवेंट में आओ, नॉलेज लो, इंप्लीमेंट करो एंड स्टार्ट अर्निंग मनी. बिकॉज वेन द कॉम्पिटिशन इज लेस, दैट इज वॉट इज नोन एज अ ब्लू ओशन थ्योरी. आई वॉन्ट यू टू फीचर हियर विद मी. आप इवेंट में आओ, नॉलेज लो, रिजल्ट लेकर आओ. आपका गोवा आने जाने का सारी चीज का खर्चा मैं करूंगा. मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पे आके नॉलेज लो, आप वापस जाओ, सक्सेसफुल बनो. आई विल इनवाइट यू देन टू गोवा स्पेशली. आई विल डू एन इंटरव्यू. अभी जैसे देवव्रत का इंटरव्यू करा है, ऑब्वियसली इनको भी बहुत सारे लोग जानेंगे, इनके पास और ज्यादा अचीवमेंट्स आएंगे. आई वॉन्ट टू डू द सेम थिंग फॉर यू ऑल्सो, लेकिन वो तब तक नहीं होगा जब तक इनिशिएटिव नहीं लोगे. यहाँ पे देख रहे हो ना, इतनी गर्मी में पसीने के संग हम वीडियो बना रहे हैं आपकी नॉलेज देने के लिए. एक्शन लेना पड़ता है, इनिशिएटिव लेने पड़ते हैं. ये वीडियो बनाए बिना भी मेरा रेवेन्यू आता रहता, इनकी लाइफ में अच्छा होता रहता, बट दिस इज टू इंस्पायर यू. अनलेस एंड अंटिल यू टेक एक्शन, रिजल्ट्स विल नॉट कम. द बुकिंग लिंक इज बिलो. एक्सक्यूजेस हटाओ. आप मोबाइल फोन पे घूमने में, इधर उधर जाने में पैसा खर्च कर देते हो, वो पैसा अपनी ग्रोथ के ऊपर लगाओ सो दैट आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आए. आपकी लाइफ में कितनी चीजें आपने सीख ली होंगी पिछले एक महीने के अंदर? काउंट नहीं कर सकते. लाइक एवरी डे यू लर्न फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग 10+ थिंग्स, तो कुछ ना कुछ आप. और जब मैं अपने 6-7 घंटे का लॉन्ग वेबिनार्स करता हूँ, सब वहीं बैठे रहते हैं. तो आप सोचो इतना नॉलेज है, और आपको तो जब आप इवेंट में आ रहे हो, मैं वो सारी चीजें बता रहा हूँ जो कि मैं यूट्यूब पे शेयर कर ही नहीं सकता. मैं पूरा फनल एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक कैसे कर सकता हूँ, यूट्यूब पे बता ही नहीं सकता. इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको इतनी नॉलेज मिलेगी जो आप सोच भी नहीं सकते हो. बस इंप्लीमेंट आपको करना है. सी, आई कैन गिव यू नॉलेज, आई कैन गिव यू मेंटोरशिप,
एंड आई कैन ऑल्सो गिव यू अ लॉट मोर अदर थिंग्स, लेकिन द पावर टू टेक एन इनिशिएटिव वो तो भाई आप ही के पास से आना है, वो मैं नहीं दे सकता आपको, समझ जाओ आप। यू वर सेइंग समथिंग, टिकट्स खत्म हो रहे हैं ब्रो, वीआईपी टिकट्स खत्म हो गए हैं, गोल्ड टिकट्स खत्म हो जाएंगे, अगले साल आओगे मैं रिकॉर्डिंग्स भी नहीं देने वाला, मैं पहली बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इनिशिएटिव नहीं ले सकते, सी वी कैन मेक मनी, वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट, बाकी सारी चीजों से टिकट्स बेच के आप इवेंट में आओगे, नॉलेज लोगे, आप आगे जाओगे। रिकॉर्डिंग्स में आपको इसलिए नहीं देना चाहता क्योंकि जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तब तक आपकी लाइफ में वाला इनिशिएटिव नहीं आएगा, तब तक आपकी लाइफ में वो चेंज नहीं आएगा। द चेंज बिगिंस फ्रॉम विद इन एंड द चेंज बिगिंस व्हेन यू हैव टेकन एन इनिशिएटिव। एक्शन लो, इवेंट में आओ, नॉलेज लो, और आपको सच बताऊं तो जो इन्वेस्टमेंट है ये कुछ भी नहीं है कंपेयर टू द वैल्यू। वो जो लोग हैं उन्होंने इतने साल और करोड़ों रुपए लगाए हैं सब सीखने के लिए, और इतने अगर आप कंबाइंड रेवेन्यू देखोगे सारे स्पीकर्स का 100 करोड़ रुपए से ज्यादा है। वो ज्ञान आपको मिलेगा सिर्फ 10,000 रुपए खर्च करके, क्योंकि वीआईपी टिकट्स तो खत्म हो गए। और अगर आप मुझे बोलोगे सर मैं इतने पैसे अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकता, आपके पेरेंट्स ने, आपके जानने वालों ने कार के लिए लोन लिया है, बेकार की चीजों के लिए लोन लिया है, अब एक छोटा सा अपने पेरेंट्स से पैसे ले लो या खुद से इन्वेस्टमेंट कर लो, कम टू द इवेंट एंड गेट दैट नॉलेज। मैं रिपीटेडली आपको बोल रहा हूँ क्योंकि देखो यू नो मी एंड यू नो माई टीम, हॉल तो हम भरेंगे, लोग उसमें आएंगे, वेदर यू आर गोइंग टू बी देयर और नॉट इज योर कॉल, वेदर यू आर गोइंग टू गेन और नॉट इज योर कॉल, कम टू द इवेंट एंड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। थैंक यू देवव्रत, थैंक यू सर, मजा आया आपसे बात करके, लेट्स मेक इट ग्रैंड, ओके, बी हियर एट द इवेंट।